ये बगल में आप देख सकते हैं ये दूसरा है, ये देखिए गुच्छे लगे हुए हैं। तो इस समय टोटल ये आम काम है। अब पिताजी क्या है कि ज्यादा बोल, पढ़ना लिखना जरूरी है ना कि पढ़ना लिखना जरूरी है? हाँ, कह दो पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगाना है। पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगाना। विनोद जी, तो आप ये निर्माण कार्य कर रहे हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल वेब बर्ड पर। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं समय समय पर आपके लिए ज्ञान से भरपूर और मनोरंजक वीडियो एवं ब्लॉग लाता रहता हूं। उसी कड़ी में आज मैं फिर आपके लिए एक ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि एक पर्सनल हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ वीडियो है। यानी कि मैं कुछ अपने बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि जो यूट्यूबर होते हैं बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही शहरी स्टाइल वाले या वीआईपी लोग ही यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत ही छोटा एक गांव है आटा, और इस आटा गांव से बिलोंग करता हूं। और बिल्कुल ही जैसा कि कुशवाहा शाक सैनियों को आप जानते होंगे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं, कछवाई बाड़ी का काम करते हैं, फुलवारी का काम करते हैं, तो उसी तरीके का हमारा भी परिवार है और हम भी बिल्कुल उसी तरीके से बिलोंग करते हैं। वही सब कार्य हमारे घर पर भी होते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है। इस समय क्योंकि जून का महीना स्टार्ट हुआ है, अभी जून लगा हुआ है, तो खेत में जो जुताई होती है, हल वगैरह चलता है। पहले बैलगाड़ी से चलता था, बैलों के माध्यम से आदमी जुताई का काम करता था, ढुलाई का काम करता था, लेकिन आज साइंस का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, हार्वेस्टर वगैरह आ गए हैं। तो जो कृषक बंधु हैं, छोटे हो या मध्यम हो या बड़े किसान हो, सभी लोग मशीनरी पर डिपेंड हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी ये जुताई का जो काम हुआ है वो ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ है। और जैसा कि किसान परिवार होता है, घर में जो जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए या जो बाहरी व्यक्ति होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए कुत्तों को रखने का भी काम करता है, कुत्ते का पालने का जो डॉग होते हैं। शहरों में आपको छोटे छोटे डॉगी दिखाई देंगे, लेकिन गांव देहात में लोग देसी कुत्तों का रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा वफादार होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में, ये पीछे आपको देख सकते हैं, ये हमारा ये कुत्ता है और डॉग है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो कृषक बंधु होते हैं, कुछ ना कुछ फल फ्रूट के पेड़ लगा रखे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे आम का पेड़ है, और आम पूरी तरीके से, ये देखिए गुच्छे के गुच्छे आप देख सकते हैं, ये अभी इस समय ये बंधा हुआ है कपड़े के माध्यम से। और इसके बगल में आप देख सकते हैं ये दूसरा है, ये देखिए गुच्छे लगे हुए हैं। तो इस समय टोटल ये आम आ चुके हैं और कई गुच्छे के गुच्छे यहाँ पर आम लगे हैं। ये पहली बार है कि जब इस पेड़ में, ये नया पेड़ है, तो इसमें आम लग चुके हैं। और यहाँ यदा कदा आपको मोर भी देखने को मिलेंगे हमारे खेत के आसपास, अभी काफ़ी मात्रा में मोर भी यहाँ रहते हैं, काफ़ी फूल वगैरह भी लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि किसान बंधु होते हैं, तो वो जो पानी वाला इंजन होता है डीजल के माध्यम से चलता है, हैंडल के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं हमारा सामने इंजन रखा हुआ है, इसको आप हैंडल से चला सकते हैं डीजल डाल करके, क्योंकि जो पानी वगैरह है वो पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है किसानों को। और अभी हाल में ये कुछ नया निर्माण चल रहा है, जो कि अभी नया है, हमारे जो पिताजी हैं वो इसको निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। और कुछ हम आपको फूल दिखाना चाहेंगे, काफ़ी यहाँ पर पक्षी हैं जो काफ़ी चहचहा रहे हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी उड़ भी रहे हैं। और अभी देखिए, क्योंकि जून में काफ़ी गर्मी रहती है तो फूल मुरझा जाते हैं जल्दी, झुलस जाते हैं, तो ये फूल लगे हुए हैं। गुड़हल का पेड़ है, और गुड़हल का आप जानते भी होंगे किस टाइप का ये फूल होता है, ये देखिए फूल है। और ये छोटा सा हमारा ये हर में बाथरूम है, और एक छोटी सी यहाँ पर लेटरिन है। अभी काफ़ी दूर मोर हैं, तो वो यहाँ से भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, फ़िलहाल में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी काफ़ी काम चल रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से।
और काफ़ी देखिए अब हम आपको फूल दिखाएंगे, काफ़ी ढेर सारे यहाँ पर फूल भी लगा रखे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं और बिल्कुल से एकदम से बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ बकरियाँ भी हैं, आप एक देख सकते हैं हमारी बकरी है, और ये देखिए यहाँ पर चरने का काम कर रही है, और काफ़ी हैं दो तीन बकरी हैं, और काफ़ी आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे बाबा काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हमारा जो परिवार रहा है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार रहा है, और आपको हम दिखाएंगे कि बाबा ने हमारे एक मंदिर भी बनवाया था और जो समय है, लेकिन हम इस समय नास्तिक हो चुके हैं और हम केवल बाबा साहेब को ही अपना आइकन मानते हैं और महात्मा ज्योतिबा फूले को भी अपना आइकन मानते हैं। हम हालांकि पूजा पाठ नहीं करते हैं, ना ही हमारे परिवार का यानी कि हमारी वाइफ एवं बच्चे बिल्कुल नास्तिक हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर को ही मानते हैं। हम लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे बाबा जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे उनसे भी हम मिलवाने का काम करेंगे। उन्होंने मंदिर बनवाने का काम किया था, जीवन में दो बार भागवत भी कराई और काफ़ी एकादशी व्रत भी कराते थे। काफ़ी ऐसा फैमिली हमारी रही है कि जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की मतलब फैमिली थी, लेकिन आज हम लोग समथिंग हमारा पूरा परिवार इस समय अम्बेडकरवाद की तरफ आगे बढ़ चुका है, और अब हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम तो टोटली नहीं मानते हैं। हालांकि हमारे परिवार में अभी हल्का सा इसका देखने को आपको मिलेगा, और अब मैं आपको अपने पिताश्री से मिलाऊंगा, और क्योंकि जो काम चुनाई का चल रहा है तो उसमें ऊपर छत वगैरह भी डलनी है और कुछ है, तो अभी काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी सरिया काट रहे हैं, हमारे पिताजी हैं और आप इनसे मिल सकते हैं। कुछ बोलो, क्या बोले, अब काम कर रहे हैं, काम है। अब पिताजी क्या है कि ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो उस वजह से वीडियो में तो अब पिताजी अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी जो कृषक बंधु होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं और काफ़ी कुछ काम अपने हाथों से ही करते हैं। भाई नमस्कार। हाँ, अपना कार्य कर रहे हैं इस वक्त, समय नंजा लगे हैं, लेबर लगी है तो कार्य करने हैं। हाँ, कार ही जो है। पीछे हमारी मम्मी हैं और आप देख सकते हैं पीछे हमारी माता जी हैं और उनसे मिलाने का काम करेंगे। सबको नमस्ते, हाय बोलो। सबको नमस्ते, हाय। ये हमारी माता जी हैं और माता जी ने काफ़ी डांट डपट करके और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा पालन पोषण किया, जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम लगातार इसी तरीके से, आपको ये पहला ब्लॉग है, पहले ब्लॉग में हमने आपको मम्मी पिताजी से अवगत कराया है, अब हम मिलाने जा रहे हैं अपने बाबा जी से, आप उनसे भी मिलिए। तो बाबा जी अभी हमारे लेटे हुए हैं जी, हमारे बाबा जी हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, समथिंग 80 वर्ष के आसपास की उम्र हो चुकी है, 90 वर्ष के हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं, खड़े होकर दिखाओ बाबा, खड़े होकर नेक चल के, तो आप देख सकते हैं 90 वर्ष की उम्र में शहरों में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं और उनको सेवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे बाबा जी एकदम टकाटक हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से चल फिर सकते हैं, और देखिए कोई छड़ी या डंडे की ज़रूरत नहीं है, कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं है, और एकदम से फिट हैं। तो इसका कमाल है देसी खान पान और देसी रहन सहन, क्योंकि बाबा जी यही सब ये प्राकृतिक वायु में रहते हैं और सभी चीज़ इनको ओरिजिनल मिलती है, ओरिजिनल ऑक्सीजन मिलती है, ऐसा नहीं है शहर में पॉल्यूशन वगैरह होता है जबकि गाँव देहात में पॉल्यूशन नहीं होता है, तो उसका हमारे शरीर पर, हमारी एक्टिविटीज़ पर काफ़ी असर रहता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी जीवन शैली पर। तो ये हमारे बाबा जी हैं, तो बाबा जी कुछ बोलिए लोगों से, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, कह दो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को कह दो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, लाइक करो, फॉलो करो। हाँ, तो हमारे बाबा जी है, कभी बोलते नहीं हैं, तो उस वजह से फ़िलहाल में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनने जीवन में काफ़ी कर्मकांड कराए हैं, काफ़ी धार्मिक, दो बार भागवत कराई है, काफ़ी एकादशी व्रत ये सब कराते थे,
लेकिन आज इससे बाबा जी भी जान गए इन सब से कुछ नहीं है, केवल लोगों को पढ़ना लिखना शिक्षित होना जरूरी है, ना कि ये का धार्मिक कर्मकांड कराना जरूरी है। लोगों को बता दो, कह दो पढ़ना लिखना जरूरी है, ना कि पढ़ना लिखना जरूरी है। हाँ, कह दो पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगाना है, पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगाना। हाँ, तो अब हमारे बाबा जी भी जान चुके हैं, तो इसीलिए बाबा जी भी एकदम मस्त रहते हैं एकदम से, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तरफ भी इनका जोर है। कहते हैं आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो अब हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और साथ ही हम मिलाने जा रहे हैं आपके दो इस समय मजदूर हैं, हमारे गांव के ही लोग हैं जो कारीगर बंधु हैं, और वो यहां पर जो निर्माण कार्य है, जो दो कमरे का निर्माण कार्य चल रहा है, छोटे छोटे दो कमरे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो इन्हीं कारीगर महोदय का उसमें हाथ है। तो आपका शुभ नाम क्या है? विनोद। विनोद जी, तो आप ये निर्माण कार्य कर रहे हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, कब तक हो जाएगा ये? हो जाएगा कम से कम 4-6 दिन। 6-7 दिन लग जाएगा। तो ये हमारे कारीगर महोदय हैं, और अभी काम चल रहा है, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये अभी ये बचा हुआ है, गेट वेट लग के कंप्लीट है, काफ़ी मजबूत गेट है आप देख सकते हैं। और इस तरह पे आपका क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास जी, कैसा लग रहा है काम? वाम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, चलिए ठीक ठीक। तो ये भगवान दास जी हैं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ था। ये पहला ऐसा ब्लॉग है कि जिसमें मैंने अपने बारे में आपको बताया है। हालांकि इस टाइप के ब्लॉग मैं बहुत ही कम बनाता हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि मैं अपने बारे में भी कुछ लोगों को बताऊँ। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएँ ये ब्लॉग कैसा रहा, और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाले बटन को दबा देंगे जिससे इसी प्रकार से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।